भी बैंकर के लाइफ में जेएफएम दैट इज जनवरी फरवरी मार्च ये तीन ऐसे महीने रहते हैं जहाँ पर अगर उसने छुट्टी ले ली तो भाई लाले पड़ जाते इधर उसके धंधे। तो इधर कहाँ जाने कहाँ घूमते तू हाँ तुझे पिल्लू कुठे गेलेला कुठे येतो हा कुठे गेलेला काल इथे 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 ये कुठे गेलेला आहेस तू रेडू मी चिकन आणलेलं सगळ्यांना चलो अभी मेरे बच्चे लोग ये गायब था भाई का इथे तो उसकी वजह से कल इसको चिकन नहीं दे पाए बाकी सब ने चिकन खाया कल इनका चिकन डिनर हुआ कल ये सर गए थे तो उनको नहीं दे पाए मैं अभी आज दिख रहे हैं मुझे लगा पेडीएम से वगैरह उठा के तो नहीं लेके गई मैं सर को आज का दिन मेरा बहुत लेट चालू हुआ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ इट इज 1:01 उठा आज अराउंड 11:45 तो सुबह में उठा मेरे बच्चों को घुमाया देन मैं अगेन सोया फिर से उठा गोलू एंड को सूट भी लगा था तो छोटी शिशु के लिए फिर से लेके गया वो हो गया उसके बाद में फिर से आके फिर से सो गया एंड मे बी आई वाज टू एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द वर्क बहुत काम हो रहा है आजकल आई एम नॉट टेकिंग इवन संडे लीव बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है और किसी भी बैंकर के लाइफ में जेएफएम दैट इज जनवरी फरवरी मार्च ये तीन ऐसे महीने रहते हैं जहाँ पर अगर उसने छुट्टी ले ली तो भाई लाले पड़ जाते इधर उसके धंधे के इवन जो कुछ भी बिजनेस वो ला रहा है उसके या फिर उसके नौकरी के लग जाते हैं क्योंकि दैट इज़ द हाइएस्ट लाइक हाइएस्ट प्रायोरिटी टाइम इन बैंकिंग वर्ल्ड क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च 31st को तो ऐसा ही कुछ सीन है अभी टारगेट बहुत बड़ा मिला है एंड वो टारगेट का 1/5 हुआ है अभी तक तो बाकी जो 4/5 है वो करना है अपना काम अभी तक पेंडिंग है जो पेंडिंग काम जब भी होगा तभी एक चैन की सांस ले पाएंगे हम अदर देन दैट बड़े वाले फाइल्स जो है मेरे वो भी अटके पड़े हैं कहीं ना कहीं पे तो उसके बारे में भी फॉलोअप ज़रा लेने हैं और ये जो फॉलोअप वगैरह लेने का चक्कर होता है ना उसमें कस्टमर ऐसा दिखाता है जैसे अरे मेरे को तो गरज है ही नहीं तुझे गरज है इसलिए तो कॉल कर रहा था सर इसमें ना घर वालों को टाइम दे पाते हैं ना कुछ प्रायोरिटी सामने रख पाते जो मैंने सोचा था कि भाई मेरे वकील को उठूँगा एक क्वेश्चन पेपर कॉल करूँगा SSC CGL का फिर वॉक वगैरह करने के बाद कैशर और गाँव का वॉक करने के बाद वो एक पेपर सॉल्व करूँगा उसके बाद में हर जो एक वीडियो एडिट करूँगा 9:30 का सॉरी 9:15 का जो टाइमिंग होता है उसको वो अपलोड करने के लिए शेड्यूल कर दूँगा देन मेरा सब डाइट वगैरह फॉलो करके बीच में मेरा वर्कआउट सेशन होता है 7:30 to 8 हाफ एन आवर ही होता है बिकॉज होम वर्कआउट करता हूँ मैं जब मैं नहीं जाता हूँ अभी फिलहाल के लिए बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू पे द सब्सक्रिप्शन फॉर द जिम तो एक होने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि ये मंथ में चालू करूँ मैं सैलरी आने के बाद प्रॉपर जिम बट ये मंथ में भी पापा ने बुकिंग कर दिया कि भाई तेरी सैलरी आने के बाद आई वॉन्ट सो एंड सो फॉर पोर्शन ऑफ योर सैलरी फॉर माई एज बोला हाँ भाई इतने साल जो पाले हो हमको 22 साल तो उतना भी ये हमारा फर्ज बनता है देना
आई कांट इवन से नो देयर कि भाई नहीं मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. आई डोंट हैव द राइट टू से दैट. दिस इज एन क्या बोलते हैं, एक ऐसा है इंडियन लड़के की उम्र से ज़रा ज़्यादा ही पहले काम करने लग जाता है या घर पे देना चालू करता है कमाई. प्रॉब्लम दोनों साइड से है, ना कमाओ ना दो तो प्रॉब्लम, तो तुम नालायक हो. दो कमाना चालू करो जल्दी तो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर घर वाले जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस एक्सपेक्टेशन को कोई तोड़ नहीं होता भाई. ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई उन्होंने एक बार एक्सपेक्टेशन रखा, एक बार रख दिया तो बस हर बार वो रखेंगे. Another thing with us, which is called as personal life. Personal life बिल्कुल नहीं मिलती बैंकिंग सेक्टर में. अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मैं बैंक में लूँगा और पर्सनल लाइफ मुझे मिलेगी, 5 बजे ड्यूटी ख़त्म, बाद में आके मैं काम धंधा करूँगा, इट इज़ नॉट सो. 3 बजे देगा. अगर आपको पर्सनल लाइफ चाहिए, अगर आपको सेकेंड इनकम चाहिए, अगर आपको कुछ और वैसा करना है तो प्लीज़ डोंट जॉइन बैंक. बैंक में ऐसा नहीं मिलता, आपको बहुत खींचातान करना पड़ता है अगर आपको करना है वैसा. तो दैट इज़ वन थिंग. अदर देन दैट ये सब तो चलो हो गया, ये सेकेंडरी पार्ट है. प्राइमरी पे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है भाई. अभी आप बोलोगे बैंक में नौकरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, बट सी फॉर एवरी पर्सन द सक्सेस लेवल और द स्टेप्स आर डिफरेंट. मेरे लिए सिर्फ बैंक में नौकरी करना इज नॉट माई सक्सेस. लेफ्ट फ्रॉम वो एक बार पापा को कोई ना रॉन्ग वे आ रहा था और टकराया था, तो लीवर ज़रा से टेढ़ा हो गया था. उसकी वजह से माइलेज देना गाड़ी ने बहुत कम कर दिया था, और ऊपर से बीच में बंद भी पड़ती है गाड़ी. अगर कभी ऊपर नीचे हो गया क्लच छोड़ते टाइम तो ये हो जाती है, बंद पड़ जाती है गाड़ी. उसकी वजह से आई नीड टू डू इवन दैट. और अलग से मुझे यहाँ पर भी काम है, विच शोरूम. दोनों काम एक साथ ही करते हैं, फिर निकलते हैं. चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, आफ्टर द वर्क इज डन. समझो तो वर्क एंड आखिर होता है सुजुकी इज डन. अभी जाएंगे टीवीएस के इसमें, जो मैंने बताया क्लच के बारे में, तो वो तरह से काम करेंगे. कि देखो मार्केटिंग का जॉब या फील्ड वर्क का जॉब, लोगों को ऐसा लगता है यार घूमना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बट द पर्सन हु लाइक टू रोम अराउंड, हु डजंट लाइक टू गो टू वन सिंगल ऑफिस एवरी डे, सो इट डजंट लाइक द मोनोटोनस जॉब एंड मोनोटोनस फेसेस ऑफ पीपल, उसके लिए ये जॉब इज लाइक ड्रीम जॉब है, सपना होता है लोगों का. तो ये आ गए हम यहाँ पे, ये वाला भी एक काम कर लेंगे. एंड आई लाइक माई जॉब, आई लव माई जॉब. द वर्स्ट सर्विस यू कैन गेट इज फ्रॉम बाइक शोरूम. अभी मैं गया था वो TVS के बाइक शोरूम में, एंड आई वॉज वेटिंग देयर फॉर मोर देन लाइक 20-25 मिनट्स. 5-5 मिनट बोल के हम लोगों ने 25 मिनट खा लिए. अभी मुझे जाना है मिनिस्टर के ऑफिस में, वहाँ पे उनको ये जो डॉक्यूमेंट दिया है वो मुझे देना है. उसके बाद में आई हैव टू लीव फॉर ये अपना क्या बोलते हैं उसको, भिवंडी के लिए निकलना है. भिवंडी में जाके फिर वो मैडम के जो भी क्लाइंट है उनके यहाँ पर जाना है. तो मुझे बताओ भाई कैसे होगा.
के पास आता नहीं, वो बाहर से सर्विस करवाता हूँ। बोल दो, मैंने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था और आई जस्ट लेफ्ट बिकॉज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। TVS को तो बहुत ही बकवास है ना, अभी तो मुझे ऐसा भी फील होता है कि भाई मैंने TVS क्यों ली, उससे अच्छा ना मैं कोई और बाइक ले लेता। कौन सी मेरी मत मारी गई थी तो मैंने TVS उठाई। वैसे भी ये बाइक का मतलब ओके, मेरी बाइक है वगैरह एवरी थिंग, आई लव माई बाइक, बट परफॉर्मेंस वाइज इट इज नथिंग, इट इज जीरो। यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग Apache 200 और एनी TVS बाइक, प्लीज डोंट गो फॉर इट, तो ये दूसरी बाइक देख लो। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद TVS का सर्विस। जो मेरे बाद में आए थे उनको भाई एकदम आराम आराम से जा जाके एकदम लेडीज देखती है ना, हाँ मैडम देता हूँ ना, ऐसा है ना वैसा है ना, हम लोग तो पूछिए बैठे हैं, हम लोग को काम धंधा नहीं है। हॅलो, हाय आलो निघालो आहे ह्याच्यामध्ये आपलं सिग्नलला चुकाय, मी का बोलतो ऐक ना, त्या ज्योतीकडे जाऊन तिचा Form 20 देऊन टाक ना। ओके, म्हणजे डायरेक्टली मी हुंडाईला भेटेन तुला। गाडी घेऊन येतो तुझी? हां हां गाडी घेऊन येतो। ठीक आहे चालेल, चल। आज भी मेरा रह गया पैसा लेने का। अरे चलो मिलते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव माय हेलमेट, रिप्लेस से बैग उठा के लीविंग इट, मिलते हैं थोड़ी। चलो गिव द डॉक्यूमेंट, टुक माय बैग एंड आई एम लीविंग। ये सब करने के लिए सिर्फ लगे 5 सेकेंड्स, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ फिर भी 5 सेकेंड्स। नाउ लेट्स लीव, प्रॉबेबली घर के यहाँ पे जाऊँगा, मम्मी को पूछूँगा डब्बा रेडी है क्या, अगर रेडी है तो उठाओ, अगर नहीं तो इट्स ओके।